हाय गाइस, वेलकम बैक टू पैंग्स विजन चैनल। आपको टाइटल देख के तो समझ ही आया होगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं घूमने। एक वाइल्ड हॉलीडे करके ग्रुप है, वो ट्रैकिंग प्लान करते हैं, तो उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया है। तो आज 10:30 को, मतलब अभी टाइम क्या हुआ, आई थिंक 10:22 हुए, तो 10:30 को हम लोग अंधेरी JVLR से निकलेंगे। बस अभी तक आई नहीं, अभी शायद 5-10 मिनट में आ जाएगी। तो बने रहिए चैनल पे और ये व्लॉग आप भी एंजॉय कीजिए। फर्स्ट टाइम मैं कोई ट्रेकर्स ग्रुप के साथ कहीं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अगर ये ट्रेकर के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो नीचे स्क्रीन पे उसके डिटेल्स आएगी। वाइल्ड हॉलीडे, उसका इंस्टाग्राम का पेज मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, वो देख लेना। तो हाय गाइस, अभी रात के कुछ 1:30 बज रहे हैं, तो अभी ब्रेक के लिए, वॉशरूम ब्रेक के लिए और किसी को डिनर करना होगा तो उसके लिए रुके हैं। तो अभी रात में तो कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी मज़ा है कल सुबह ही आ जाएगी। अभी डायरेक्ट हम लोग कल सुबह मिलते। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और पहली बार सुबह 5 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे, कभी लाइफ में नहीं किया। ब्रेकफास्ट करके थोड़े देर बाद फिर ट्रैकिंग के लिए निकल जाएंगे। उजाला होने का वेट करेंगे कि जब तक ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाएंगे तब तक हो ही जाएगा उजाला। तो अब तक ब्रेकफास्ट थोड़ा उजाला हो जाएगा तो निकल। गुड मॉर्निंग गाइस, ट्रैकिंग की शुरुआत हो चुकी है। पीछे देख सकते हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा फॉग ही फॉग है। ये बस है हम लोग की, अभी आगे हम लोग वॉक करके ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, तो पीछे देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिस वाज अ टोल, आप यहाँ पर देख सकते हो लगड़ी रानझण। ओके, सो ये एंशियंट टाइम के लिए, ये जो रास्ते पे आप जा रहे हो ना, ये एक्चुअली आपको नीचे उतारेगा हाईवे पे। ओके, बट हम लोग यहाँ से वापस पीछे जाने वाले। नीचे दो केव्स हैं, केव्स में आपको थोड़ा सा संभाल के रहना है, अंदर की हिस्ट्री आपको नीचे मालूम पड़ेगी। ओके, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो चीज, ये डिजाइन ही एक्चुअली, यहाँ पर जो राजा था जिन्होंने ये केव बनाया था, उन्होंने जो भी दान धर्म अच्छे काम किए थे वो उनके लैंग्वेज में यहाँ पर उन्होंने ये स्क्रिप्ट किया था। तो वो एक उनका, ये आपको देखने मिलेगा स्क्रिप्ट उनका कैसा लैंग्वेज था और ये कैसे किया था उन्होंने। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहेगी और बहुत ज़्यादा फॉग है तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहे हैं। Thank you.
कहते हैं लाइकेन्स, सुना है कभी? लाइकेन्स नहीं सुना? सो लाइकेन्स आर इंडिकेटर्स कि दिस एनवायरनमेंट इज अ नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट. तो जहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम होता है वहाँ पर ये लाइकेन्स ग्रोथ है, ग्रीस कलर की चीज़ें जो ग्रो हो रही है ट्रीज ट्रंक्स के ऊपर, ठीक है. और ये लाइकेन्स के बहुत सारे यूज है, हम मसालों में इनको यूज करते हैं. तगड़ी फूल लाइक ले मराठी में, तगड़ी फूल इज अ काइंड ऑफ लाइकेन. सो लाइकेन इज अ इंडिकेटर ऑफ अ नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट. ये जो है ड्रैगन फ्लाई देखा है किसी ने? हाँ चतुर, ये उसका है. तो आप सबने ये देखा रहेगा कि ड्रैगन फ्लाई ऐसे मेल फीमेल चिपके होते हैं पानी के ऊपर टैप करते हैं, बेसिकली दैट लेइंग द एग्स इन द वाटर. और उनके एग्स हैच होने के बाद ये होता है प्यूपा. तो ही स्टेज इन द वाटर, जब इसको ऐसा लगता है कि नाउ ही इज फिट एंड फाइन, ये प्यूपा का अपने आप फटेगा और अंदर से ड्रैगन फ्लाई उड़ जाएगा. एक्चुअली रिवर्स वाटरफॉल, ये जो पानी जो जा रहा है ना यहाँ से नीचे, एक ये स्ट्रीम हो गया और एक वो स्ट्रीम हो गया. Because of the wind pressure in the lower part of this valley, वो हवा से ऊपर आ रहा है. ओके, इफ वी गो द अदर साइड, अगर ये फॉग नहीं होगा और हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, ये हम लोग को लाइव दिखेगा. अभी जीवधन जा रहे हैं हम लोग जीवधन फोर्ट के लिए. ये जंगल जंगल से थोड़ा रोड है और देखिए खाली फॉग 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 ही आज वो जो है. क्या दिखाऊं मैं आपको, जंगल के रूट से हम लोग जा रहे वैली की तरफ. देखिए कितना कितना छोटा रोड है, रोड नहीं है, कितनी छोटी जगह है चलने के लिए. पूरा जंगल क्रॉस करके वैली की तरफ जाएंगे जीवधन के लिए. आपको आवाज़ आ रहा है कि पता नहीं मुझे, बट बहुत बारिश गिर रही है और इतना कंटिन्यू क्लाइंबिंग है तो सांस फूल रही है, तो उतना मैं वीडियो में ज़्यादा बोल नहीं सकता. और आपके चारों ओर ऊंचा ऊंचा झाड़ी दिख रही है, कार्वी फ्लावर. आठ साल में एक बार इसमें फ्लावर आते हैं, पांच फ्लावर एक साथ पर्पल कलर के फ्लावर.
गाइस हम लोग कंटिन्यू लास्ट 15 मिनट से खाली जंगल से वॉक ही कर रहे हैं। अभी तक जंगल ख़त्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यू जंगल के रोड से चलते ही जा रहे हैं और बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है। जो रेनकोट पहने वाइट वाले वो हमारे गाइड है, लोकल गाइड। ऐसा नहीं मुझे 5 मिनट के लिए थोड़ा रुके हैं, बैठ भी नहीं सकते। अच्छा इसको बोला जाता है काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, अरे तेज पत्ता अलग होता है, तेज पत्ताला अशी नाही दिसणार तुम्हाला, हे असे दिले जातात मार्जिन, ओके मार्जिन पण कसे गेले आज अगर आप देखोगे तो हर क्विजीन में मसाले नहीं होते लेकिन ब्लैक पेपर जरूर होता है। तो देवर वेरी फैसिनेटेड बाई दिस और वो अपने पूरे कंटेनर भर भर के शिप में डाल के वो लेके जाने की कोशिश कर देते हैं, बट वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और उस दौरान इंडिया में एक ऐसा लॉ हमने पास कर दिया कि आज पासून काली मिरी कोणी नेणार नाही इंडिया मध्ये, लेकिन पोर्तुगीज लोगों के पास इतना सोना था कि उन्होंने इंडिया को बोला यू जस्ट गिव अस 10 ग्राम ऑफ ब्लैक पेपर एंड विल गिव यू 1 गोल्ड कॉइन। 10 ग्राम काली मिर्च, आपका मोबाइल फ़ोन 150 ग्राम का है, 10 ग्राम काली मिर्च के लिए 1 सोने का सिक्का दिया जाता था और इसीलिए उसको कहा गया ब्लैक गोल्ड, ठीक है। और आज कितने का मिल रहा है? 5 रुपये। आज कितना भी नहीं है, ये ठीक है, 20 रुपये का बहुत 100 ग्राम आएगा, बट विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन टूडेज वर्ल्ड। आज क्या सबसे महंगा मसाला है, कौन सा? सैफरन। सैफरन, यस सैफरन, जिसको आप केसर कहते हैं। पता है कितने का था? 1 लाख पर केजी। हाँ ठीक है, चलो लाख केजी का भाव बोल रहे, लेकिन केसर ग्राम में आता है, तोला में गिना जाता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉस्ट समवेयर अराउंड 700 to 1200 rupees। अगर आप बोलते हैं 300 वाला मैं यूज़ करता हूँ तो ठीक है, ठीक है, चलो। दैट द मोस्ट एक्सपेंसिव साइज टुडे, बट पुराने ज़माने में काली मिर्च। तो हाय गाइस, पूरा जंगल क्रॉस करके अभी हम लोग नीचे पहुँचे हैं। जूदन फोर्ट अभी चढ़ेंगे, अभी ऊपर चढ़ेंगे तो कल्याण दरवाज़ा आ जाएगा और उतरते टाइम जुन्नर गांव से उतरेंगे। तो मेरे पीछे आपको स्टेप दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तो बैक कैमरे से दिखा दें। ये देखिए अभी पूरा सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाएंगे।
डिफिकल्ट हाइक करने वाले हम लोग। ये पीछे का देख रहे हो, ये देखो ये कल्याण दरवाजे के पास निकलेगा, ऐसे रोप से ऊपर जाना है अभी। अभी हम लोग जहाँ पे उतरेंगे वो नए दरवाजे के यहाँ पे उतरेंगे। चलिए देखते हैं आगे। गाइस कम ऑन, ये वानर लेंगे। आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या पता, क्योंकि सब जगह फॉगी और फॉगी है। ऊपर ऐसा है तो यहाँ से डिपेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से राफ्टिंग करना है तो रूप छोड़ सकते हैं। इसको आर्टिफिशियल पिटॉन बोलते हैं इन माउंटेनियरिंग। और एक नेचुरल पिटॉन्स होता है जो ऐसा नहीं होता है, जो बड़ा पत्थर होता है और उसको सपोर्ट लेके हम लोग सेफ्टी और एक बैकअप सपोर्ट। अभी वापस फॉग आया तो दिख नहीं रहा है, एक एक पीछे ज्यादा रहेगा। ये भी कौन ड्रिल करके जो दिख रहा है, नहीं आंखों से दिख रहा है बट कैमरा जस्ट इस लग गया। वहाँ तक किया जाता है, लगाए हुए हैं। लोग अच्छे खासे ट्रैक कर रहे थे, जो बड़े बड़े ट्रैक कर रहे थे। धुक्का भरपूर है रे।
तो विचारो ना कोई उड़ियो। तो शॉर्ट असू दे पण तिथे म्युझिक असतात जे काढतोय ना त्याला म्युझिक असतात। अरे पण हे फॉग येते रे जास्त। नॉर्मल सीढ़ी है, छोटा पैच है उसके पास, बट ये छोटा पैच ही सबको कमर तैयार है। पैकिंग कंप्लीट हो गई है, अभी खाना खाने के लिए लंच करने के लिए बैठे हैं। आफ्टरनून के 2 बज रहे। चपाती, खीर, मटर पनीर, भिंडी, तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। और खाना खाने के बाद सब फ्रेश तो हो गए, खाना खाने के बाद थोड़े टाइम के बाद निकल जाएंगे बॉम्बे के लिए। तो गाइस ट्रेक कंप्लीट हो गया है और बहुत ही एडवेंचर ट्रेक था। और इस वीडियो में आपको खाली ट्रेक ही नहीं दिखेगा, बहुत सारा आपको नॉलेज भी मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और नेचर के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। यहाँ पे एक पंकज सर थे, उन्होंने नेचर के बारे में, यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ अच्छा नॉलेज दिया लोगों को। और एक बात, वाइल्ड हॉलीडे ग्रुप के लिए, ट्रेकर्स ग्रुप के लिए बिग थम्स अप।
एक्चुअली ये फोर्ट अगर और ये ट्रैकिंग आपको करनी हो तो प्लीज़ किसी गाइड्स की किसी एक्सपीरियंस बंदे का ही हेल्प ले लो। आप अकेले जाने का कभी मत सोचिए। ये वीडियो देख के भी आप सोचोगे कि इजी है, उतना इजी नहीं है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। बस तो बाय गाइस।